हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल एस के नवीन। आप सभी को एक नए वीडियो में फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक और वीडियो जो कि जानकारी के लिए लेकर आया हूं, वो मैं आप लोगों के सामने। तो मैं आज एक फील्ड में जब रन कर रहा था, जब घूम रहा था, तो किसी कस्टमर ने पेमेंट के बारे में पूछ दिया कि मेरे पार्सल का पेमेंट इतना है, लेकिन जो कुरियर बॉय का जो ऐप मोबाइल रहता है, जो फील्ड में जाते हैं हम लोग, उस मोबाइल में ऐप में 308 रुपये दिखा रहा था और उसके मोबाइल में 100 कुछ रुपये दिखा रहा था, लेकिन वो क्या था, मेन प्राइस था। तो दोस्तों, मैं आज इसी वीडियो पर, इसी टॉपिक पर चर्चा करूंगा। मैं वीडियो इसी के लिए बना के आया हूं, बनाने के लिए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले फिर से वही रिक्वेस्ट है, कृपया करके मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे यह फायदा होगा कि जो मैं वीडियो बनाऊंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो दोस्तों, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और फुल वॉच कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के पास, और यह जानकारी का वीडियो जिसको अच्छा लगे वो कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों, आज का मैं वीडियो बात कर रहा हूँ, जो पार्सल ऑनलाइन कस्टमर करते हैं वो इनको कंफ्यूज रहता है। सारे कस्टमर जो हैं ऑनलाइन तो करते हैं, लेकिन ऑनलाइन करने उनको नहीं आता है। अब क्या नहीं आता है, ये मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे कि आपने मेन प्राइस पार्सल का या जो भी सामान है, शिपमेंट आप जो मंगा रहे हैं, उसका मेन प्राइस आपका दिखाता है, लेकिन उसमें कौन कौन से चार्जेस जोड़े जाते हैं वो आप स्क्रॉल करके जब ऊपर स्क्रॉल कीजिएगा तो उसमें नीचे लिखा हुआ जाता है, एडिशनल फी, डिलीवरी चार्ज या और कोई भी फीस जुड़ा रहता है, लेकिन इसके बारे में कस्टमर को पता नहीं चलता है, क्योंकि वह नीचे नहीं देखते हैं। वो सिर्फ अपना शिपमेंट जो ऑर्डर करते हैं सामान, उसका मूल पेमेंट देखते हैं और वो उसी पर टिके होते हैं। वो तब तक टिके रहते हैं जब तक कुरियर बॉय उनके पास में पार्सल लेकर के ना आ जाए, तब उनको होश आता है कि कुरियर बॉय के मोबाइल में शो कर रहा है कुछ पैसा, और वो आप वो देखे हैं जो मेन प्राइस है पार्सल का, सामान का, वो उसी पर टिके हुए हैं। तो इससे क्या होता है कि कुरियर बॉय के साथ कभी कभी बकझक भी हो जाता है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पर होगा, तो हम लोग ठंडे दिमाग से उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि सर या मैम, जो भी है, आपके मोबाइल में पेमेंट उतना ही दिखा रहा है जो हमारे ऐप्स में दिखा रहा है, हम जो पैसा लेना है हमको कंपनी जो दिखा रही है उतना भी पैसा आपको दिखा रहा है, लेकिन वो डटे हुए हैं कि नहीं मेरा प्राइस तो कुछ है। तो फिर मैं उनको कहता हूँ कि आप अपने माई ऑर्डर को खोलिए, जो भी सामान से ऑर्डर किए हैं आप उस पर क्लिक कीजिए ऑर्डर पर जा करके, और मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपका मोबाइल नहीं लूँगा, मैं आप ही से दिखाऊँगा। तो जब उनको जब मोबाइल ऐप्स में जब जाने के लिए बोला जाता है माई ऑर्डर में, चाहे फ्लिपकार्ट से हो चाहे मीशो से हो, यह दो चीज़ में ज़्यादा हो रहा है, मीशो में प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा है कस्टमर को। ये प्रॉब्लम नहीं है, ये जानकारी नहीं है, इसको हम प्रॉब्लम नहीं कह सकते हैं, ये जानकारी की कमी है कस्टमर के पास में। तो इस तरह का जानकारी कस्टमर को रखना होगा। अब जैसे कि आप कहीं दुकान पर जाते हैं, मान ले कि कोई मॉल में गए तो कपड़ा खरीदे, तो उसका तो एक बिल बनाता है, बिल में लिखता है कि आपका सामान एक साड़ी का दो क्वांटिटी या क्वांटिटी, इसका बिल इतना, आपने जींस लिया उसके सामने उसका रेट लिख देगा, GST लिख देगा, और जो उसके बाद फिर जो लाइन पार करके नीचे जो कुल पेमेंट रहता है, जिसको हम लोग टोटल पेमेंट बोलते हैं, उसका नीचे लिखा हुआ रहता है। तो मैं कस्टमर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जब आप ऑर्डर करें तो आप ऑर्डर करने के बाद टोटल जो बिल होता है पेमेंट, आप वो भी देख लें, मेन प्राइस पर ना टिकें, ये आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि इसमें आप प्रॉब्लम खड़े कर देते हैं। तो आपके समझाने के लिए हम लोग को टाइम लगता है, 5 मिनट टाइम लगता है, या 6 मिनट या 4 मिनट, जो भी टाइम है पार्सल डिलीवर करने से पहले आपको टाइम लगता है। तो मैं आज फील्ड में गया तो एक यही प्रॉब्लम हुआ,
एक कस्टमर थी तो उनका पेमेंट कुछ मूल पेमेंट दिखा रही थी और मेरे मोबाइल में कुछ शो कर रहा था, तो वह पेमेंट उतने ही लेकर आए थे जितना कि उनका मूल पेमेंट प्राइस का था, टोटल आप उनको वो नहीं देखे थे। तो फिर वो उनको समझाने के लिए हमने कहा कि मैम अपना आप मोबाइल का ऐप्स खोलिए, उसमें हम आपको टोटल पेमेंट दिखाते हैं कि कहाँ पर शो कर रहा है टोटल, तो एडिशनल चार्ज जुड़ता है, कहीं डिलीवरी चार्ज जुड़ता है, तो ये सब आप नहीं देखते हैं, तो इसको भी देखना पड़ेगा। तो फिर मैंने उनको समझाया तो फिर जाकर के तसल्ली हुआ। अब यहाँ पर टाइमिंग प्रॉब्लम हो गया, अब वो पैसा लेकर आए थी, अब पैसा उनको घर है 500 मीटर दूर, तो जैसे कि वो गली है अंदर, तो गली से आए तो फिर पैसा लेने के लिए फिर से गए, तो जाना आना ये दोनों परेशानी होगा कस्टमर को ही, टाइम वेस्ट मेरा हुआ एंड कुरियर बॉय का टाइम वेस्ट हुआ। तो ये सब प्रॉब्लम जो है, आप मैं वीडियो आप ही लोग के लिए बना रहा हूँ कि कृपया जब ऑर्डर करें तो टोटल बिल जो टोटल पेमेंट है वो आप मोबाइल को स्क्रॉल करके देख लें। जैसे आप ऑर्डर डन करते हैं, पेमेंट मोड पर जाते हैं, तो COD पर जाते हैं तो आपका टोटल पेमेंट बता देता है, पर अब उस समय तो आप ध्यान देते ही नहीं आप लोग, तो आप मेन पेमेंट पर ना जाकर के टोटल पेमेंट पर ध्यान दें और इसके बाद इस तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैंने उनको समझाया कस्टमर को, वो अच्छी तरह से समझ गई, उसके बाद फिर वो मुस्कुरा के चली गई। तो दोस्तों कभी कभी उग्र स्वभाव के कोई को हो जाते हैं तो समझाने पर भी नहीं समझता है, वो सिर्फ कहने लगता है कि मेरा पार्सल आया तो उसका रेट बढ़ गया, जब पार्सल जब ऑर्डर जब हम कर रहे थे तो उसका ऑर्डर रेट कुछ था और जब सामान ले रही हैं तो उसका रेट बढ़ा दिए। ये आप लोग फ्रॉड कर रहे हैं, यानी किसको, हम लोग को बोलते हैं कस्टमर, जो नहीं समझते हैं वो बोलते हैं ऐसे, तो फिर उनको समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर वह जब नहीं कोई कस्टमर जब नहीं समझते हैं तो फिर लास्ट में कहते हैं कि हम पार्सल नहीं लेंगे, आप कैंसिल कर दीजिए, आप ज़्यादा पैसा ले रहे हैं हमसे, यानी हम लोग को वो ठहराते हैं दोषी, जो कि वो पेमेंट जो कुल पेमेंट और टोटल जो होता है वो नहीं देखते हैं। तो बहुत सारे कस्टमर हर एक विचार के हैं, हर एक लोग के हैं, तो सबको समझा पाना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। जब फील्ड में कुरियर बॉय जब जाता है तो बहुत प्रॉब्लम होता है, हर एक तरह के कस्टमर मिलते हैं, उनको हर एक तरह कन्विंस करना पड़ता है, कोई कन्विंस नहीं करते हैं तो उनको सीधा शायद उनको पार्सल कैंसिल करवा दिया जाता है कि ठीक है सर आप पार्सल कैंसिल कर लीजिए मत लीजिए, तो वो कहते हैं कि हम पार्सल कैंसिल कर रहे हैं तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि हम सब सामान ले रहे हैं तो ऑर्डर करने से पहले कुछ दिखाइएगा और जब सामान आ गया तो मजबूरी समझ के हमको ज़्यादा ले रहे हैं, तो इस तरह का कोई प्रॉब्लम बहुत होता है। तो हम कह रहे हैं कि सर ऐसा कोई पेमेंट नहीं लिया जाता है, जो पेमेंट आपका मोबाइल ऐप में शो करता है वही पेमेंट हम लोग लेते हैं। तो कोई कोई कस्टमर हैं को उग्र स्वभाव को हो जाते हैं, वो मारने पीटने पर लड़ने पर उतारू हो जाते हैं, तो हम लोग वहाँ किसी तरह ना प्रॉब्लम जो होता है क्रिएट उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं कि सर आप पार्सल कैंसिल कर दीजिए, आपका पेमेंट ज़्यादा हो रहा है तो आप मत लीजिए। तो हम लोग इस प्रकार वहाँ प्रॉब्लम जो होता है उसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों जो भी ऑर्डर कर रहे हैं कृपया मेन ऑर्डर और जो टोटल पेमेंट होता है वो ज़रूर देख लें, ये हमसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप लोगों से। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं, और कोई भी सुझाव इस वीडियो के बारे में है आप लोगों के पास तो कॉमेंट बॉक्स में जाकर कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा, और कोई सुझाव है तो वो भी दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।